हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24। तो देखिए, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और इसमें क्वेश्चन मैंने वही ऐड किए हुए हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चाहे वो इंडिया जीके हो, चाहे वो साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे वो एचपी जीके। तो इसमें सभी लगभग मैंने टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड किए हुआ, साइंस के भी क्वेश्चन है इसमें, एचपी जीके के भी और इंडिया जीके के भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। और देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा चुका हूँ। एच पी जी के क्वेश्चन बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने वीडियो आपके लिए लेक्चर लेकर आया था, तो उसमें सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अभी मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा किसी भी क्वेश्चन की, सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा और मैं आपको आंसर बताऊंगा। और हर मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक आपको 2 या 3 सेकंड का वक्त मिल ही जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? ठीक, आप अपना आंसर कमेंट के, तब तक आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, कालका शिमला पहले तो नैरो गेज रेलवे लाइन है और इस पर 103 सुरंगें, वैसे देखिए वर्तमान में 102 सुरंगें, एक सुरंग अब वर्तमान में नहीं है। और सबसे बड़ी सुरंग है बड़ोग सुरंग, जो कि सोलन में 1143 मीटर उसकी लंबाई है और 869 पुल हैं इस पर। और इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो HS हरिंगटन थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि किसने कालका शिमला रेलवे लाइन का शडी द्वारा सर्वे कर इसकी खोज में सहायता की थी? ठीक, तो ये थे बलखूराम, वो भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन जो और बनता है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रेलवे लाइन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तब भी आपका आंसर क्या होगा, कालका शिमला। और कब किया गया था, 2008 में किया गया था। ठीक, 7 जुलाई 2008 में किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, अब आप इसका आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर है 96 किलोमीटर जाने की ऑप्शन बी। देखिए, आपको एक जे जा इसकी लंबाई याद रखनी कालका शिमला की, एक जोगिंदर नगर पठानकोट उसकी है 113 किलोमीटर। ठीक, जिसे उसे और उसे जो जोगिंदर नगर पठानकोट रेलवे लाइन है उसे कांगड़ा वैली रेलवे लाइन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा के किस कटोच वंशीय शासक ने सुजानपुर टिहरा की स्थापना की? तो क्या होगा आपका आंसर, देखिए जो हमीर चंद है उन्होंने तो हमीरपुर की स्थापना की थी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा घमंड चंद। ठीक, घमंड चंद ने की थी सुजानपुर शहर की स्थापना। वैसे देखिए अलग अलग है, टिहरा की थी अभी चंद ने, परंतु आप जो मैंने बुक्स में ही पढ़ा इसका जो आंसर दिया गया है, जहाँ कोई प्रीवियस ईयर पेपर हुआ उसमें जो आंसर की मैं भी घमंड चंद ही दे रखा। वैसे टिहरा की अभी चंद ने की थी, सुजानपुर शहर की थी घमंड चंद ने। ठीक, परंतु आपका आंसर क्या होगा, घमंड चंद। जो संसार चंद है उन्होंने सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा उन्होंने होली का त्यौहार शुरू करवाया था, सुजानपुर टीरा की होली अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध है, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा हाँ, सुजानपुर टीरा में एकमात्र हिमाचल प्रदेश का सैनिक स्कूल भी स्थित है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है, तो सुजानपुर टीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए विख्यात है? तो ये भी जब मैंने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट किया था तो आपको बताया था, इसका जो राइट आंसर होगा बेगा मलाना। और देखिए, मलाना के जो लोग हैं वे किस देवता की पूजा करते हैं, तो जामलू देवता की। जामलू देवता की जगह ऋषि जमदाग्नि भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि उन्हीं को ही जामलू कहा जाता है। और ऋषि जमदाग्नि कौन है, परशुराम के पिता हैं और जो रेणुका देवी थी उनके पत्नी है, यानी कि उनके जो पति हैं ऋषि जमदाग्नि। और रेणुका और परशुराम के बीच कैसा संबंध है, तो माता और पुत्र का संबंध है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बजोरा मंदिर भी मंदिर है, ठीक है, बजोरा जगह है और बजोरा मंदिर बजोरा में स्थित है, कुल्लू के बजोरा में स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चिन्ह मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? ठीक, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चिन्ह मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? तो जे सभी इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा चिंतपूर्णी, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा ज्वालामुखी ब्रजेश्वरी और बगलामुखी मंदिर कहाँ स्थित है, कांगड़ा में। ब्रजेश्वरी मंदिर वही मंदिर है जिसे महमूद गजनवी ने लूटा था। ठीक, और बाकी इसमें कुछ और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं आपको डिटेल में वैसे बता ही चुका हूँ। ज्वालामुखी मंदिर मैंने बताया था आपको कि इसमें अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था और उसने अपना रंग बदल दिया था, क्योंकि अकबर को हिंकार आ गया था तो इसलिए उसका रंग बदल गया था। ठीक, और इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने भी जहाँ पर स्वर्ण जल का गुंबद बनवाया था, जो गुंबद बनवाया था उस पर सोने का जल चढ़ा हुआ था। ठीक, और एक बात और बता देता हूँ कि ज्वालामुखी में सती की जीव गिरी थी। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार रिपीट कर चुका हूं मैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन बी 3। और सबसे बड़ा कौन सा प्रशासनिक संभाग है, तो मंडी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक, मंडी के। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया, तो कब किया गया, इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा 1971, यानी कि 1971 ईस्वी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द लेडी ऑफ केलांग है एक, तो आपने बताया कि द लेडी ऑफ केलांग किसका नाम है, तो ऑप्शन आपके सामने, स्थानीय हस्तकला, लोक नृत्य, हिमनद या पर्वत शिखर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा पर्वत शिखर, द लेडी ऑफ केलांग क्या है, पर्वत शिखर, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि टोंस नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा जमुना। ठीक, और इसके अलावा पब्बर, पटसरी, आंध्रा, जलाल नदी, गिरी नदी, ये सब टोंस की ही सहायक नदियाँ हैं। परंतु कभी कभी देखिए ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि पब्बर किसकी सहायक नदी, वहाँ टोंस नहीं दे रखा, सॉरी वहाँ पर जमुना नहीं दे रखा, क्योंकि आपको ये तो पता कि सभी छोटी छोटी नदियाँ अंत में मिलेंगी जमुना में, परंतु पहले ये नदियाँ किसी और दूसरी नदियों में मिलती हैं, फिर जाकर वो नदी जमुना में मिलती है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो पब्बर नदी है वो टोंस की सहायक नदी है। ठीक, और आंध्रा और पटसरी नदी वो पब्बर की सहायक नदी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1977 ईस्वी को, और किसे हटाया गया था, किस मुख्यमंत्री को हटाया गया था, तो क्या नाम, शांता कुमार को हटाया गया था, और शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। दूसरी बार 1992 में हटाया गया, तब भी शांता कुमार को ही हटाया गया था। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है एक, तो आपको बताना कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है, क्या जो एक संवैधानिक निकाय है, या सलाहकारी निकाय है, या सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय, या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि इसका उल्लेख या इसका जो स्थापना की गई है वो संविधान के अकॉर्डिंग की गई है, यानी कि इसका उल्लेख संविधान में था, इसका उल्लेख संविधान में किया गया था। और एक नीचे लिख रखा ऑप्शन सी सांविधिक, इसका मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के अकॉर्डिंग कानून बनाकर इसकी स्थापना की गई है, परंतु ऐसा नहीं है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि इसका उल्लेख पहले से ही संविधान में था। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग वो स्टैट्यूटरी बॉडी, उनका जो निर्माण किया गया है वो संविधान के अकॉर्डिंग कानून बनाकर उनका निर्माण किया गया है, योजना आयोग को ही अब नीति आयोग कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे, तो प्रथम एशियाई खेल 1951 को हुए थे, जो कि नई दिल्ली में हुए थे, तो ये भी आप याद रखेंगे, नई दिल्ली भारत में हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि साधारण लवण, लवण को नमक कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या, तो जिस सभी जो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता ही होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का संचार नहीं हो सकता, देखिए मैंने जो साइंस की क्लासे आपके लगा रहा हूँ टॉप 500 क्वेश्चन की, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, और थोड़े बहुत इनके पीछे मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है, जिनके पीछे कॉन्सेप्ट को यूज होता है, जैसे अगला क्वेश्चन, तो ध्वनि का संचार किस में नहीं हो सकता, तो निर्वात में नहीं हो सकता। ठीक, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक प्रकाश से बनता है, एक ध्वनि से, देखिए प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, उसका संचार निर्वात में हो सकता है, और सबसे ज़्यादा जो तेज चाल होती है प्रकाश की वो निर्वात में ही होती है, यानी कि वैक्यूम में ही होती है, परंतु जो ध्वनि है वो निर्वात में संचार नहीं हो सकती, यानी कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है, साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव, यानी कि यांत्रिक तरंगे हैं, और यांत्रिक तरंग को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो निर्वात में नहीं कर सकती गमन। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के साइड मिरर किस प्रकार के होते हैं, तो जो क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस मिरर का, किस दर्पण का यूज़ किया जाता है, तो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक, कौन सा, उत्तल दर्पण, तो जी आप याद रखेंगे, उत्तल दर्पण का यूज़ और किसके लिए किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए भी किया जाता है, ठीक, उसके उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो रक्त का लाल होना किसके कारण होता है,
तो हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ठीक, तो जिया, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैक्टस संदर्भित है, यानी कि कैक्टस जो, देखिए सिंपली क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि देखिए जो मरुस्थलों में पौधे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है साइंस की भाषा में, ठीक, तो आपका आंसर होगा, देखिए जीरोफाइट होगा ना कि जोरोफाइट, जीरोफाइट, ठीक, XERO PHY फाइट्स, TES, ठीक, जीरोफाइट्स होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन कैक्टस लिख रखा है, तो कैक्टस कहाँ पर होता है, तो कैक्टस होता है एक मरुस्थलीय पौधा है। तो सिंपली ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, तो जीरोफाइट कहा जाता है उनको। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक। जहाँ ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो पौधे पानी की बहुत ही अल्प मात्रा में विकसित होते हैं, आपको पता है, फिर इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, मरुस्थल की बात कर रहा है, तब भी आपका आंसर जीरोफाइट। तो क्वेश्चन को आप समझ कर पढ़ा कीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ईंधन कम से कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक। और एक बात इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, यानी कि हम हाइड्रोजन को किससे कंबाइन करवाएंगे, ऑक्सीजन से। जब आपको पता है कि H2O2 से मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, वाटर, ठीक। नेक्स्ट, और देखिए हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है कि, यानी कि ये बहुत कम जलकर बहुत अधिक ऊष्मा देगा। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन खाद्य है, यानी कि जो नाइट्रोजन फूड होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें प्रोटीन कहा जाता है, ठीक। नाइट्रोजन फूड को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस फूड, तो उन्हें क्या हम क्या कहते हैं, प्रोटीन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी बरमोर से चंबा बदली, तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया कि चंबा की प्रारंभिक राजधानी जय थी, उसके बाद जहाँ बदली गई और उसके बाद जहाँ बदली गई, ठीक, तो आपका आंसर होगा साहिल बर्मन, क्योंकि देखिए साहिल बर्मन ने ही चंबा शहर की स्थापना की थी, तो इसका मतलब उन्होंने ही बरमोर से चंबा बदली होगी, ठीक। और साहिल बर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर इसका नाम चंबा रखा है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। और जो नैना देवी है, जिनके क्या कह सकते हैं हम, उनके जिनकी याद में सूही मेला का आयोजन किया जाता है, तो वे साहिल बर्मन की पत्नी थी और उन्होंने पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इसके अलावा जो सूही मेला है वहाँ पर सिर्फ औरतों और बच्चों को ही जाने की अनुमति होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। और एक और मैं बात बता दूँ कि लवी मेला, रामपुर का लवी मेला हिमाचल का सबसे प्राचीनतम मेला है, शायद मैंने आपको कहीं नलवाड़ी बता दिया हो। तो देखिए मैं एक क्लास लाऊंगा जो मैंने आपको 12 डिस्ट्रिक्ट की वीडियोस जो आपके लेक्चर लगाए हैं, तो उस पर एक डाउट डाउट सेक्शन की हम रखेंगे, तो मैं जितने भी कमेंट, जिसमें मैंने सभी कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा, अगर किसी ने कुछ कहा कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो उस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि हम गलत ना पढ़ें, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी, और मैं एक और बात बता दूं, जो जिस भी नदी की सहायक नदी है तो ये उस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि किस नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सतलुज की, ये भी आप याद रखेंगे, सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है स्पीति, हिमाचल प्रदेश में स्पीति, ठीक। और इसका आंसर क्या होगा, कुंजुम दर्रा, ठीक, कुंजुम दर्रा जो कि लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, स्पीति नदी का उद्गम स्थान कुंजुम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या है, तो ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों से एक और क्वेश्चन बनता है कि उपनिषद हैं, तो ऑप्शन दे रखे होते हैं दर्शन शास्त्र, कानूनी किताबें और ऐसे कुछ करके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपनिषद दर्शन शास्त्र की किताबें हैं, ठीक, दर्शन शास्त्र। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, शे संख्या ऑप्शन बी में जो मैंने शे दे रखा वो वेदांगों की संख्या है, शे वेदांग है हमारे। जो ऑप्शन सी मैंने 18 दे रखा वो पुराणों की संख्या, और मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। जो मैंने 4 लिख रखा है वो वेदों की संख्या, कितने वेद हमारे, 4, ऋग्वेद सबसे पुराना, अथर्ववेद सबसे नया। और मैं एक और बात बता देता हूँ, कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इन चारों, मतलब ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कौन सा वेद नहीं है,
तो देखिए, कभी कभी आयुर्वेद दे रखा होता है, तो आयुर्वेद कोई भी वेद नहीं है, इसका मैं से उपवेद कह सकता हूँ कि ये अथर्ववेद से ही निकला हुआ है, ठीक है, परंतु ये मूल वेद नहीं है। मूल वेद हमारे कितने हैं? चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आयुर्वेद कोई वेद नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि आयुर् के साथ अंत में वेद लगा हुआ तो ये भी वेद है, ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन जोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ऑप्शन मैंने ऐसे ही थोड़े बना दिए ऐसे ही स्टूपिड टाइप, क्योंकि परंतु इसमें जो आंसर होगा भी होगा आपका मृतकों का टीला, ठीक। मोहन जोदड़ो को क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु और मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है वर्तमान में? मैंने आपको कहा कि म से मोहन जोदड़ो, तो इसका आंसर म से नहीं होगा। आपको पता दो ही तो स्थान है, एक तो लड़काना और एक मोंटेगुमरी, ठीक। लड़काना में कौन स्थित होगा? फिर म से मोहन जोदड़ो, तो इसका आंसर म से नहीं होगा, यानी कि म से मोहन जोदड़ो, तो इसका आंसर म से मोंटेगुमरी नहीं होगा। बचा लड़काना, तो इसका आंसर होगा लड़काना, ठीक, लड़काना। और मोंटेगुमरी में कौन होगा? फिर हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी एक, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के दौरान सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया था? तो आपको पता है हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके विपरीत जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए, उससे मैंने कितनी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में आकर किस क्षेत्र में बसे थे? ये क्वेश्चन मैंने इंडिया जीके में आपको बताया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा भी होगा सप्त सैंदव प्रदेश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आए कहाँ से थे? मध्य एशिया से। ऐसा किसने कहा था? मैक्स मूलर ने, जो कि एक जर्मनी के विद्वान थे। नेक्स्ट है कि दशराज्ञ युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? दशराज्ञ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि दशराज्ञ का अर्थ होता है, तो दशराज्ञ का अर्थ होता है 10 राजाओं के बीच युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध, ठीक। इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ये भी आपको याद रखेंगे। और कहाँ लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर। आपको इनके संस्कृत और वैदिक नाम भी याद होने चाहिए नदियों के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में हुई है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा जो इन्होंने अपनाई है अपने उपदेश देने के लिए या ग्रंथों की रचना करने के लिए, तो वे भाषा थी प्राकृतिक भाषा, ठीक। कौन सी भाषा थी जैन धर्म ग्रंथों की? कौन सी भाषा थी उन्होंने रचना की है? तो प्राकृतिक भाषा थी। इसके विपरीत जो पाली भाषा थी वो दो बौद्ध धर्मों ने अपनाई है, बौद्ध धर्म के लोगों अनुयायियों ने उस भाषा को अपनाया। बौद्ध धर्म के जो जो बुद्ध, मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए हैं, ठीक। जैन धर्म प्राकृतिक भाषा, बौद्ध धर्म पाली भाषा, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो किस वृक्ष के नीचे हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे। जो मैंने ऑप्शन बी दे रखा, साल का वृक्ष, साल के वृक्ष के नीचे किनको प्राप्त हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? तो महावीर को, ठीक, महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे। इसके अलावा देखिए आपको और क्या याद रखना है, वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है, बाकी आपको इन नदियों के नाम भी पता होना चाहिए, ठीक, कि जो बुद्ध भगवान थे, जब बुद्ध महात्मा बुद्ध थे, उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे तो ज्ञान प्राप्त हुआ, और किस नदी के किनारे? तो नदी का नाम होगा फाल्गु नदी, या निरंजन नदी भी कहते हैं उसको, ठीक। इसके विपरीत जो महावीर स्वामी, उन्हें साल के वृक्ष के नीचे, और नदी का नाम क्या था? तो रिज्जुपालिका नदी, रिज्जुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 583 ईसा पूर्व में, तो किया गया था राजगृह, राजगृह में। दूसरी का किया गया था वैशाली, तीसरी का किया था सी पाटलिपुत्र, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि चौथी बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों में बंट गया था, हीनयान और महायान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। और इसके अलावा देखिए जातक कथाएं, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा जी, देखिए मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए, परंतु लगभग हमने 50 या 60 क्वेश्चन कर लिए होंगे, जो आपने एक्स्ट्रा जानकारी हासिल की, ठीक, जो एक्स्ट्रा जानकारी जो मैंने आपको दी, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की सबसे जो प्राचीनतम सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये भी आप याद रखेंगे इस, और हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से हम बीच बीच में मॉक टेस्ट लेकर आते रहेंगे, और मॉक टेस्ट उन्हीं का ही लिया जाएगा जितना हम पढ़ चुके होंगे, ताकि आपकी रिविजन होती रहे, ठीक। और आप खुद से देखिए जीके पढ़ते हैं, ये देखिए जो आपका मुझे लगता है ना जो महत्वपूर्ण आपके जो इसमें टॉपिक्स, जब मैं कह सकता हूँ सेशन जो सेक्शन है जो पटवारी एग्जाम में, वो है एक इंग्लिश, मैथ और हिंदी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो इंग्लिश भी मैं नहीं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा मैथ, क्योंकि उसमें आप 25 में 25 नंबर ले सकते हैं, ठीक। और क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश इतनी कोई मुश्किल नहीं आती, हिंदी की भी अगर बात करो तो ऑप्शन देख कर ही आपको आंसर लगभग पता चल जाता है, क्योंकि ऑप्शन एक दूसरे से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं होता। इस तरीके के ऑप्शन दे रखे जाएगा, कोई मुहावरा पूछा जाता तो साफ पता चल जाता है कि इसका आंसर यही होगा, ठीक। थोड़ा बहुत आपको समझने की जरूरत होगी कोई समास वगैरह की संज्ञा किसी विशेषण, तो बस वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी इंग्लिश का क्या है, आपको सिर्फ आप टेंसिस एक बार समझ लीजिए, क्योंकि पिछली बार एक दो फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए हैं जो कि सीधे ही उन्होंने टेंसिस से डाले हुए हैं, कि इस वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, या आपको पता होना चाहिए बस कि हैड बीन है तो उसके साथ क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब, कैसी लगेगी, आईएनजी लगेगा नहीं लगेगा, तो बस एक बार टेंसेज की समझ होनी चाहिए। बाकी देखिए उसमें क्या है, आपको एडियम फ्रेजेस आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो तो उसमें तो कोई मेथड लगता नहीं, वो आपको वैसे ही याद करने पड़ेंगे। तो वो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हुए हैं, जो आपके पास किताब है जो इंपॉर्टेंट दे रखे उसमें, वो आप पढ़ लीजिए। बाकी तो कोई इतने बड़ी बड़ी बात नहीं, वैसे मैं भी इंग्लिश की क्लासेस लगा रहा हूँ, पर क्लासेस हम उसी के लगाएंगे जिसके पीछे कुछ समझने की हमें ज़रूरत है, जिसके पीछे ग्रामर यूज़ होती होगी, ठीक। बाकी मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे कोई आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो आप बुक में भी कर सकते हैं। अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इजी ईडियम फ्रेजेस करवाऊंगा तो मैं ऐसे लेकर आऊंगा जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे और इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पुलिस एग्जाम में देखा ही होगा, जो आप पढ़कर जाते हैं ईडियम फ्रेजेज या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसे अलग ही देखने को मिलते हैं, ठीक। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।